हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं हूं सीएमए अक्षय सेन। और क्या आप जानना चाहते हैं कि सीएमए फाइनल डायरेक्ट टैक्स में 60+ कैसे स्कोर करें, या आपके कोई फ्रेंड जानना चाहते हैं जो कि सीएमए फाइनल में है? तो ज़रूर मेरे साथ बने रहिए, इस वीडियो को अंत तक देखिए और जैसा मैं बताऊँ उसको फॉलो करिए। ज़रूर से आप एग्ज़ाम में 60+ तो स्कोर कर ही लेंगे, इवन उससे भी ज़्यादा आप स्कोर कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं पेपर के बारे में। सबसे पहले कि पेपर का पैटर्न क्या होता है। पेपर नंबर 16 है हमारा डायरेक्ट टैक्स। देखिए तो बेटा, टोटल जो पेपर है वो आता है 132 मार्क्स का। 132 मार्क्स का पेपर आता है आपका, बनता है इतने मार्क्स। अब ये दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। पार्ट ए जो होता है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का होता है बेटा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको यहाँ पर 10 क्वेश्चंस मिलते हैं और 2 मार्क्स का ईच मिलता है। आपको रीजंस भी देने पड़ते हैं यहाँ पर, तो ध्यान रखें 20 मार्क्स का ये होता है। और जो पार्ट बी होता है वो डिस्क्रिप्टिव पार्ट होता है। यहाँ पर आपको 5 क्वेश्चंस करने होते हैं आउट ऑफ 7। 7 क्वेश्चंस में से आपको 5 क्वेश्चंस यहाँ पर अटेम्प्ट करने होते हैं। तो ये तो हो गया पेपर का पैटर्न, जो कि हो सकता है आप पहले से भी जानते हो, और अगर आप फर्स्ट टाइम एग्जाम दे रहे हो तो जरूर से इस पैटर्न को ध्यान रखें। तो इसमें कोई फिल इन द ब्लैंक्स, मैच मेकिंग वगैरह हमको नहीं मिलते हैं एग्जाम के। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट गवाए शुरू करते हैं और देखते हैं कि कैसे हम 60+ स्कोर कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो बेटा, इस सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले, स्टार्ट करने से पहले ही कुछ चीजें आपको आनी चाहिए इस बुक को स्टार्ट करने से पहले। इंस्टीट्यूट मानता है कि आप इंटरमीडिएट पास करके आए हैं और कुछ चैप्टर वहां पर दिए गए हैं, तो वो आपको आने चाहिए। देखिए बेटा, टैक्सेशन में कोई लेवल नहीं होता, इंटर और फाइनल ऐसे लेवल नहीं होता। टैक्सेशन टैक्सेशन इज टैक्सेशन, वेदर यू आर स्टडिंग इंटरमीडिएट और फाइनल। क्योंकि कोई अगर चैप्टर है तो उसके लेवल को चेंज नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर ध्यान रखें कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि आपके इंटरमीडिएट के मॉड्यूल में दी गई है, लेकिन फिर भी वो आपको यहाँ पर आनी चाहिए। तो वो चीजें हैं कौन कौन सी, वो चैप्टर्स हैं कौन कौन से, वो टॉपिक कौन कौन से जो आपको आने चाहिए। तो सबसे फर्स्ट है बेटा पीजीबीपी चैप्टर, प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। आपको आना ही आना चाहिए, क्योंकि ये 15 to 25 मार्क्स तक स्कोर करता है आपके एग्जाम्स के अंदर। इतने मार्क्स तक का आ जाता है, ऐसा कैसे, ये तो बुक में है ही नहीं बेटा। देखिए पेपर आता है 132 मार्क्स का, तो कोई ना कोई तो टॉपिक ऐसे होंगे जो कि बुक में 100 मार्क्स का वेटेज होता है, लेकिन ज्यादा देने पड़ेंगे। अब तो पीजीबीपी आपको आना ही आना चाहिए, इसके बिना आप इस बुक में काफी सारे चैप्टर नहीं पढ़ पाएंगे, काफी सारी चीजें अधूरी रह जाएगी। और ये काफी ज्यादा वेटेज रखता है, हर बार एग्जाम्स में आता ही आता है, और एटलीस्ट 15 to 25 मार्क्स तक ये वेटेज आपके रखता है। इसके बाद में सेकेंड चैप्टर इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। कैपिटल गेन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और ये भी हमेशा आता है। इसके अंदर मैं बता देता हूं आपको क्या क्या करना होगा। एक सेक्शन 47 आपको स्पेसिफिकली करना होगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है सेक्शन 47, वो आपको करना ही करना है। इसके अलावा सेक्शन 50B स्लम सेल भी काफी बार पूछा जाता है, ये भी आपको अच्छे से करना ही करना होगा। इसके अलावा जो एग्जम्पशंस की सीरीज है सेक्शन 54 से, वो भी आपको करनी है, अच्छे से करनी है। कोई भी ऐसी एग्जम्पशन नहीं है जो लेस इंपॉर्टेंट हो, सारी एग्जम्पशंस करनी पड़ेगी आपको। इसके अलावा जो आप सेक्शन बच जाते हैं 45(1)A, ये थोड़े कम आते हैं लेकिन आपको करने जरूर चाहिए। 45 सबसेक्शन 2, 45 सबसेक्शन 3, 45 सबसेक्शन 4 एंड 45 सबसेक्शन 5 एंड 45 सबसेक्शन 5A, ये जो सेक्शंस हैं ये आपको करने चाहिए। ये 45 की सीरीज आती कम है, लेकिन फिर भी आपको एक बार इनको करना जरूर चाहिए। ये दो हेड हो गए। इसके अलावा जो तीसरा हेड है वो है आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज भी आपको फॉर श्योर अच्छे से कर लेना है। गिफ्ट का टॉपिक कई बार आपके एग्जाम्स में पूछा भी जाता है, आपको हालांकि पूरा चैप्टर ही करना है अदर सोर्स का भी। इसके अलावा हमको क्या आना चाहिए, इसके अलावा बेटा आपको आने चाहिए डिडक्शंस। डिडक्शंस में दोनों टाइप के, पेमेंट बेस्ड तो इंपॉर्टेंट होते ही होते हैं, इनकम बेस्ड भी इतने ही इंपॉर्टेंट है यहां पर। तो दोनों टाइप के डिडक्शन आपके लिए इंपॉर्टेंस रखते हैं, तो ये भी आपको अच्छे से कर लेने, बहुत अच्छे से कर लेने डिडक्शंस भी। इनफैक्ट काफी ज्यादा वेटेज एमसीक्यू भी पूछे जाते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इसके अलावा आपको करना है टीडीएस। टीडीएस के जो सेक्शन ऑलरेडी आपके इंटरमीडिएट लेवल पर थे वो आपको करने पड़ेंगे।
तो ये चीजें बेटा, ये सेक्शंस, ये चीजें तो आपको आनी चाहिए, और सबसे पहले यही करनी पड़ेगी आपको, और कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास में। तो ये चीजें आपको पहले कंप्लीट करनी है और ये कवर कर लेने हैं। अगर इन टॉपिक्स को मैं देखूं तो एटलीस्ट एटलीस्ट 30 to 35 मार्क्स ये कवर करके चल रहे हैं हर बार, और कई लोग इसको इग्नोर करके चल रहे हैं और फिर पूछते हैं मैंने तो पूरा मॉड्यूल किया था, फिर मेरे मार्क्स क्यों नहीं आए। तो हो सकता है उनकी स्ट्रेटेजी सही नहीं रही हो, तो पहले तो इन टॉपिक्स को करना ही करना है, आप ध्यान रखें इनको। इसके बाद में अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि हमें बाकी टॉपिक्स के साथ में क्या-क्या करना है। सर, इसके बाद में हमको क्या पढ़ना चाहिए? तो देखिए, आप यहाँ पर देखोगे तो तीन पार्ट में यहाँ पर बांट रखा है मॉड्यूल को। एडवांस डायरेक्ट टैक्स 50 मार्क्स का, इंटरनेशनल 30 मार्क्स का, और केस स्टडी 20 मार्क्स का। इस तरीके से आपका ये पेपर बांट रखा है। आपको सबसे पहले मेरे अकॉर्डिंग करना चाहिए इंटरनेशनल टैक्सेशन। इंटरनेशनल टैक्सेशन आपको सबसे पहले करना चाहिए। तो इंटरनेशनल टैक्स आपको सबसे पहले कवर करना है। अब कई लोगों को यही नहीं पता इंटरनेशनल टैक्स में आखिर है क्या। बेटा देखिए, ये मॉड्यूल बड़ा ट्रिकी है, तो इस मॉड्यूल में जो है वो पैटर्न अलग से दे रखा है, मैं आपको बता देता हूँ आखिर है क्या क्या इसके अंदर, आपको करना क्या क्या है। DTAA, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट, ट्रांसफर प्राइजिंग इज ए पार्ट ऑफ इंटरनेशनल टैक्स, वैसे भी होता है ऑब्वियस। इसके अलावा रेसिडेंशियल स्टेटस इज अ पार्ट ऑफ इंटरनेशनल टैक्सेशन। तो रेसिडेंशियल स्टेटस भी आपको करना पड़ेगा। रेजिडेंशियल स्टेटस के तीनों सेक्शन 5, 6 एंड 9, ये तो आपको करने ही, 9 स्पेसिफिकली सबसे ज्यादा पूछा जाता है, तो आपको ये तो करना ही करना है। इसके अलावा एडवांस रूलिंग इज ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस, एडवांस रूलिंग आपको करना है। और इसके अलावा TDS नॉन रेजिडेंट का, ये आपको करना है। TDS अलग से चैप्टर भी दे रखा है नॉन रेजिडेंट के लिए, वो आपको करना है। तो ये पांच कंटेंट मिलाकर के, और इन पांच कंटेंट को हर तरीके से अच्छे से कर लेना है। ये वाला जो कंटेंट है ना, ये आपको ये फाइनल वाली बुक में नहीं मिलेगा, तो इसके लिए आपको इंटरमीडिएट की बुक भी रेफर करनी पड़ेगी और वहां से पढ़ना पड़ेगा। तो ध्यान रखें और पास्ट एग्जाम्स के क्वेश्चन जरूर कर ले, उनमें आपको ये चीज जरूर मिलेगी। इसके बाद में हम देखते हैं और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अब हमको क्या पढ़ना है। सबसे पहले आता है चैप्टर नंबर 1, असेसमेंट। असेसमेंट में क्या पढ़े और कैसे करें, मैं आपको इन शॉर्ट जल्दी से बता देता हूं। असेसमेंट में आपको क्या क्या करना है, देखिए, असेसमेंट में आपको फर्म का असेसमेंट करना है विथ AMT, अल्टरनेट मिनिमम टैक्स के साथ। इसके अलावा आपको कंपनी का असेसमेंट करना है मैट के साथ में। इसके अलावा आपको ट्रस्ट का असेसमेंट करना है, इसमें दोनों रिलीजियस चैरिटेबल ट्रस्ट और बिजनेस ट्रस्ट भी आ जाएंगे। इसके अलावा आपको AOP BOI का भी थोड़ा सा असेसमेंट एक बार के लिए देख लेना है, पढ़ लेना है। और इंडिविजुअल तो आपको बाय डिफॉल्ट आना ही चाहिए, और स्पेसिफिकली इसमें नॉन रेजिडेंट से रिलेटेड जरूर पढ़ ले असेसमेंट। तो ये असेसमेंट आपको करने ही करने हैं, बाकी जो है उनकी इंपॉर्टेंस थोड़ी कम होती है, ऐसे बाकी टॉपिक आने के कम चांसेस होते हैं, तो आपको ये तो करना ही करना है। चैप्टर नंबर 2 देखे तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ इंटरनेशनल टैक्स वाले पार्ट में कि नॉन रेजिडेंट से रिलेटेड जो भी TDS के सेक्शन से चीजें हैं वो आपको पढ़नी ही पढ़नी है। इसके अलावा आते हैं रिटर्न ऑफ इनकम। तो बेटा रिटर्न ऑफ इनकम आप इंटर लेवल पर भी पढ़ चुके होंगे, अगर आप फाइनल में आ गए तो ये सेम चैप्टर वहां से कॉपी पेस्ट है, इसमें कुछ भी नहीं है। चैप्टर को जल्दी से एक बार रीड करके छोड़ दें, यहाँ से थ्योरेटिकल चीजें आती, कोई केस वगैरह नहीं बनता है इसके अंदर। मैं आपको बताऊं तो सेक्शन 139 सबसेक्शन 3, 139 सबसेक्शन 4, 139 सबसेक्शन 5 और 139 सबसेक्शन 9, 140 और 139AA, ये सेक्शंस इंपॉर्टेंस रखते हैं और यही सेक्शन इंपॉर्टेंट होते भी है। बाकी जो है किसका रिटर्न कौन वेरीफाई करेगा, ये चीजें होती है, यहाँ से MCQ ही बनते हैं, प्रैक्टिकल बाकी कुछ बन नहीं सकता, यहाँ से कोई ऑप्शन नहीं, और बड़ा थ्योरी का क्वेश्चन भी कम ही चांसेस होते हैं, ठीक है। और एक चीज और जोड़ लीजिए इसमें, फी फॉर डिफॉल्ट इन फर्निशिंग रिटर्न ऑफ इनकम। तो ये चीजें आप अच्छे से प्रिपेयर करें, यहाँ से जो लास्ट क्वेश्चन आता है थ्योरी का, इसके अंदर इसका वेटेज रहता है। असेसमेंट प्रोसीजर इतना ज्यादा वेटेज इसका भी नहीं है, लेकिन जो केस बनते हैं कुछ, उनके अंदर जरूर यहाँ से कुछ क्वेश्चन बन जाते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ से क्या क्या थोड़ा बहुत आपको पढ़ना है। स्क्रूटनी असेसमेंट के बारे में आपको पढ़ लेना है, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट, पावर ऑफ ज्वाइंट कमिश्नर के बारे में, रेक्टिफिकेशन ऑफ मिस्टेक और डिमांड नोटिस,
इन टॉपिक्स के बारे में आपको पढ़ लेना है, और ये दो टॉपिक तो आप स्पेसिफिकली पढ़े, इनके बारे में काफ़ी ज़्यादा पूछा गया है बार बार। बेस्ट जजमेंट असेसमेंट लास्ट में जो क्वेश्चन आता है उसमें थ्योरी के अंदर 4 मार्क्स का दिया जा सकता है। इसके अलावा बात करें इंटरेस्ट, इंटरेस्ट इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है, तो आप इसको जल्दी से हाफ आवर के अंदर पढ़ करके खत्म कर दें। यहाँ पर ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आता है। 234A, B और C तीनों सेक्शंस यहाँ पर आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं, इसका ध्यान रखें, लेकिन बहुत जल्दी पढ़ने हैं, ज़्यादा टाइम नहीं देना। सर्च एंड सीजर पर बात करें तो सर सर्च एंड सीजर इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, अगेन यहाँ से थ्योरेटिकल ऐसा प्रैक्टिकल कुछ बनने के वैसे भी चांस नहीं होते हैं। तो इसके अंदर क्या पढ़े, इसके अंदर ज़्यादा तो कुछ है नहीं, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। सर्च एंड सीजर के बारे में आप यहाँ पर पढ़ लें, इसके अलावा पावर ऑफ सर्वे के बारे में आप यहाँ पर पढ़ लें, टाइम लिमिट ऑफ कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट के बारे में आप यहाँ पर पढ़ लें, और पावर ऑफ सर्टेन अथॉरिटीज, ये 4 टॉपिक तो आप जरूर यहाँ से पढ़ करके जाना ही जाना है आपको, और बाकी तो पूरे चैप्टर आपको पढ़नी ही। मैं आपको बता रहा हूँ कि ये टॉपिक हम अपन पढ़ के जाएंगे तो श्योरली 60+ और इनफैक्ट इससे भी ज़्यादा आप इस चैप्टर को थोड़ा कम वेटेज दे सकते हैं, इतना ज़्यादा टाइम ना दे इसके ऊपर। इसके बारे में कलेक्शन रिकवरी एंड रिफंड भी एक ऐसा ही चैप्टर है जिसको अपन इतना ज़्यादा वेटेज नहीं देंगे, तो इसको जल्दी से आप पढ़ ले बस, और आप चाहे तो पढ़े वरना ये स्किपेबल चैप्टर भी है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास 130 मार्क्स का पेपर मिल रहा है, तो हम कुछ टॉपिक्स कुछ चीज़ें स्किप भी कर सकते हैं, तो उसका भी ध्यान रखें। इसके अलावा अपील, रेक्टिफिकेशन, रिविजन, सेटलमेंट, यहाँ से केस लॉज में काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो केस लॉज के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर आपका इंपॉर्टेंट है, तो इसको केस के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे बेटा, अच्छे से एक बार इस चैप्टर को देखेंगे केस लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि यहाँ से काफ़ी सारे केस बनते हैं। एडवांस रूलिंग में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, इंटरनेशनल टैक्स में कवर है, लेकिन ज़्यादा इसके ऊपर टाइम ना दे, जल्दी से बस इसको पढ़ ले और ख़त्म करे, ज़्यादा इसके ऊपर अपन को टाइम नहीं देना है, ज़्यादा दिमाग इसके अंदर नहीं लगाना है। पेनल्टीज की बात करें तो ये पेनल्टीज वाले सेक्शन से जो है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही बनते आए हैं, तो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से ही इम्पोर्टेंट रह जाता है। एक दो चीज़ें यहाँ से केस भी बनते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, एक तो ये तीनों टॉपिक यहाँ से केस भी बनने के चांसेस होते हैं, तो इन तीनों को केस लॉ के अकॉर्डिंग भी आपको पढ़ना होता है। बिजनेस रिस्ट्रक्चरिंग वगैरह ये आपने मैंने ऑलरेडी बताया था, सेक्शन 47, आप जब आप कैपिटल गेन का पढ़ेंगे तो वहाँ पर ये कवर होगी, तो वो चीज़ें पढ़नी पड़ती है बेटा, फिर ये आती है, कई लोगों को पता ही नहीं होता ये चीज़ें है क्या आखिर, तो उससे कनेक्ट होती है ये। इसके अलावा ये चैप्टर यू कैन स्किप इट, ये कोई खास चैप्टर है नहीं, आप तो हो सकता है इंटर में भी पढ़ चुके हों इसको, कि टैक्स प्लानिंग, टैक्स अवॉइडेंस, टैक्स इवेजन क्या होते हैं, तो उन्हीं के बारे में बात की गई है यहाँ पर। इनकम टैक्स अथॉरिटीज आप देखेंगे तो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये भी नहीं निकल करके आता है, यू कैन स्किप इट, ये चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप चाहे रीड करना तो एक बार इसको जरूर से रीड कर ले। लाइबिलिटी इन स्पेशल केसेस, ये भी इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बेटा चैप्टर, यहाँ से कुछ ज़्यादा आता नहीं है, हालांकि इक्विलाइजेशन लेवी और कंपनी इन लिक्विडेशन, अगर आप असेसमेंट ऑफ कंपनी पढ़ा होगा तो वहाँ पर आप जरूर वहाँ पर इस टॉपिक को कवर कर लेंगे, ये दो चीज़ें पढ़े, बाकी चीज़ें तो खूब है लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं रखती है ज़्यादा। आईसीडीएस से भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनता है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन किस टाइप का बनता है, कैसे बनता है, एप्लीकेबिलिटी पर बन सकता है एक तो, इसके अलावा आईसीडीएस आपको सारे लर्न करने ने नंबर वाइज के वन किसका है, जैसे अकाउंटिंग पॉलिसीज मेनली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से रिलेटेड ही इसके सारे नाम है, तो वो नेम्स आपको याद कर लेने क्योंकि वहां से बनता है एमसीक्यू, और कोई एक आईसीडीएस लास्ट का जो थ्योरी का क्वेश्चन आता है उसमें डिटेल में डिस्क्राइब करने को आपको बोला जा सकता है वहां पर, इस तरीके से आईसीडीएस का क्वेश्चन बनता है, लेकिन आईसीडीएस मोर और लेस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से मिलते जुलते हैं, तो आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की काफी सारी बातें उसके अंदर लिख सकते हैं, बस कुछ ही चीजें वहां पर अलग मिलती है आपको। इसके अलावा अगर मैं आऊँ ब्लैक मनी एक्ट, इतना ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं, स्किपेबल है, थ्योरेटिकल टॉपिक बनता है, एक बार से इसको बस देख लीजिए, थोड़ा बहुत एक दो टॉपिक आपको मिलेंगे पढ़ने लायक, वहाँ से पढ़ लीजिएगा इसको, वरना आप इसको स्किप करके भी चल सकते हैं, इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है इसकी। इंटरनेशनल टैक्सेशन के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि आपको क्या क्या वहाँ से पढ़ना है, तो ज़रूर से वहाँ से पढ़िए, और कुछ चीज़ों पर थ्योरेटिकल भी बनता है वो मैं बता देता हूँ, परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट, फॉरेन टैक्स क्रेडिट, और ये तो आप DTAA में कवर कर ही लोगे, यूनिलेटरल, बायलेटरल वगैरह वगैरह रिलीफ। इसके अलावा एंटरप्राइज, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि प्रैक्टिकल तो आप करोगे, यहाँ से थ्योरेटिकल चीज़ें भी बनती हैं, तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर बता रहा हूँ। इंटरनेशनल टैक्सेशन से रिलेटेड पेनल्टीज, इसके अलावा रेफरेंस टू ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर,
और इसके अलावा जो आप वो पढ़ोगे, कवर करोगे, डीटी डबल ए और ट्रांसफर प्राइसिंग, उसके अंदर सब कुछ आ जाएंगे। एडवांस रूलिंग इसके अंदर आपको कवर करनी करनी, और बाकी टॉपिक इसके अंदर आप एक बार स्किप कर सकते हो। लेकिन इस चैप्टर को मैं कहूँगा कि स्किप ना ही करो तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि ये चैप्टर जो है ये 30 मार्क्स अपन को दे रहा है, इवन इनफैक्ट उससे ज़्यादा भी आ जाता है कई बार। तो इस चैप्टर को हर जगह से, हर तरीके से, मॉड्यूल के क्वेश्चन, किसी अदर बुक के क्वेश्चन, जहाँ से मिले आप करो, पास्ट एग्जाम के क्वेश्चन, इस चैप्टर को तो ऐसा करना है कि इसमें मार्क्स ही ना कटे। पास्ट एग्जाम का एक एक क्वेश्चन कर डालो, इसका मार्क्स नहीं कटने देंगे, ये सोच करके आप करो। अगर ये वाला पार्ट, इंटरनेशनल वाला पार्ट, और जो मैंने पहले बताया आपको पीजीवीपी कैपिटल गेन डिडक्शंस वाला पार्ट, अगर वो कर लेते हो तो 60 मार्क्स का कंटेंट तो वहीं से आता है, तो वो ऑटोमेटिकली पूरा हो गया। इसके अलावा आप मैट कंपनी का असेसमेंट, 8 to 10 मार्क्स वहां से कवर होता है, तो आप अच्छे से उसको कर सकते हैं। केस स्टडीज आपको मॉड्यूल से ही करनी है, ज्यादा इधर उधर घूमना नहीं है, बस मॉड्यूल से करनी है। केस के नाम याद हो तो करें, वरना लर्न करने की जरूरत नहीं है। कई बार क्वेश्चन भी लिख देता है कि केस का नाम आपको क्योट करने की जरूरत नहीं है, तो उसका कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। केस का नाम अगर आपको याद ना हो तो इतने मार्क्स नहीं कटते हैं, इस बात का आप ध्यान रखें। आपको मेन जो आपका डिसीजन है वो सही देना है, और कई सारे केस तो, कई सारी बातें तो ऐसी होती है जो आपने प्रोविजन पढ़ रखा है उसी से रिलेटेड आपको ओनली केस दे दिया जाता है। ऐसा होता ही नहीं है कभी कि वो केस हुआ हो, बस एक केस बना करके फिक्टिशियस भी आपको सामने दे दिया जाता है, तो वैसे भी प्रोविजन से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आते हैं। तो ये सारा कंटेंट था जो मैंने आपको बताया। इसके अलावा भी आपकी कोई क्वेरी है, आपका कोई सवाल है, तो जरूर से आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछेगा। होप आपको इससे आपके एग्जाम की प्रिपरेशन में और 60+ स्कोर करने में हेल्प होगी। जुड़ने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।